दुर्ग में शिक्षक संवर्ग संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के पांचवें दिन रैली निकाल संभागायुक्त कार्यालय का घेराव किया, अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। दुर्ग में शिक्षक संवर्ग संघ के बैनर तले दुर्ग के मानस भवन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे शिक्षक संवर्ग संघ ने प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत शुक्रवार को शहर में रैली निकाला, अपना आक्रोश जताया, साथ ही संभाग आयुक्त के कार्यालय का घेराव कर अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर शिक्षक संवर्ग संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार उनके नैतिक अधिकारों का हनन कर रही है। इस दौरान शिक्षक संवर्ग संघ ने साफ कर दिया कि अब तक उनकी 2 सूत्री डीए और गृह भाड़ा भत्ता की मांग पूर्ण नहीं होती है, तब तक उनकी यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।